हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी। और अभी अब मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि मैं कौन हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ। तो हम लोगों ने अभी फंक्शंस में लेक्चर 6 के साथ में एक होमवर्क मैंने आपको अटैच करके दिया था, तो बच्चों ने सॉल्व भी किया। तो कुछ डाउट्स कॉमनली आ रहे थे, तो मैं अभी उसका यहाँ डिस्कशन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम वॉज, ये डिस्कशन है लेक्चर, डिस्कशन ऑन लेक्चर 6 होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर वाज ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे रहा हूं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम 1 था रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1। इसकी रेंज निकालनी थी। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, निकालते हैं। सो आप सीखे हुए हो कि इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। लेट द फंक्शन बी y = लाइक दिस। टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y, तो x² y - 1 बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं। x² y - x² x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आऊंगा, xy - x। सो x * y - 1 प्लस y - 2 = 0। अब x इसमें उलझा पड़ा है, हमारा टारगेट क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y लाना। तो x, सिंस x इज रूट, x इज रियल, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इट मींस व्हाट कैन आई से, दैट b² - 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y - 1 होल स्क्वायर - 4ay - 1 × c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग दिस y - 1, मुझे क्या करना है, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो y - 1 इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी एक्सप्रेशन है, इट मस्ट बी फैक्टराइज्ड। सो y - 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, y - 1 बचा। फिर बचा इधर 4 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो -4 टाइम्स ऑफ y - 2 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग फर्दर y - 1 × y - 1 - 4y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 4 टू 8 करेक्ट। सो ये हो गया y - 1 × -3y + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ फैक्टर्स, आई ऑलवेज लाइक x - a और x + a। सो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो 3y - 7 इधर भी, तो इधर 0 हो गया। अब ये आपको पता है ये 1 पर 0 होता है, ये 7/3 पर छोटा, मतलब छोटा 7/3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो रेंज क्या आ गई, रेंज y बिलोंग्स टू 1 to 7/3। बट द थिंग इज कि यहां पर जब आपने इसको रेंज डिक्लेयर किया तो ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में बच्चों 7/3 यानी कि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं यहां पर ओपन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था जब आपने लेक्चर देखा था कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाओ तब ये जो x² का कोएफिशिएंट है इस पर हमेशा ध्यान देना, क्योंकि ax² + bx + c में a क्या नहीं होना चाहिए, 0। तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंटेन रहेगी, तब जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे रूल्स को फॉलो करेगी। तो यानी कि बच्चों सिंस y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्यों, मेरी बात मत मानो, आप चेक भी करो, आप y = 1 पुट करके देखो, x² + x + 2 अपॉन, आपको कोई प्रॉपर इनपुट मिलना चाहिए, = 1 किया तो क्या आया, x² + x + 2 = x² + x + 1 क्या है, 2 = 1। मतलब कोई ऐसा इनपुट ही नहीं है जिसके लिए y 1 आ सके। दैट मींस रेंज क्या हो गई, फाइनली रेंज आया 1 to 7/3। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, बस आप इतना याद रखना कि जब यहां तक आप पहुंच जाओ तो आपको डाउट करना है कि इसका जो कोएफिशिएंट है उससे जो कंडीशन आती है उसको क्रॉस चेक करना है, लाइक दिस, ठीक है। तो फाइनल रेंज क्या हो गई, ओपन इंटरवल 1 to 7/3। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा था
कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर टू सीपी क्वेश्चन नंबर टू द प्रॉब्लम इज एफ एक्स वन प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. इसमें कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर क्वेश्चन गलत है. यस ऑफ कोर्स क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है. यहां पर प्लस नहीं था, ऐसे लिखा हुआ था 2bx, तो यहां प्लस है प्लस 1. ये क्या है? फंक्शन ऑफ x है. ठीक है, m की द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, m b जो है वो मिनिमम वैल्यू है किसकी? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ fx. याद है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 4ac - b² / 4 है. और फिर आपसे पूछ रहा है कि mb की रेंज क्या होगी. एमबी की रेंज पूछिए. तो पहले आप जिस भी की भी रेंज निकालना चाहोगे, एमबी मतलब बी का कोई एक्सप्रेशन, एफएक्स मतलब एक्स का कोई एक्सप्रेशन, तो जब तक आप एमबी नहीं लाओगे तब तक आप एमबी की रेंज कैसे निकालोगे, यानी बी का कोई एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा. तो एफएक्स है 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको आप एक कोएफिशिएंट की तरह लो. अब MB क्या हो जाएगा? MB मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 4a. a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 4ac माइनस b स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन 4a. सो व्हाट इज MB? b का एक्सप्रेशन लाना था ना, तो MB आया 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर. फाइनली आई हैव गॉट MB व्हिच इज व्हाट इट इज 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर. तो इसकी रेंज निकालनी है फॉर एवरी रियल b. अब इसकी रेंज निकालना है, अब आपको निकालना है रेंज ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर. लेट इट बी z, y भी ले सकते हो. B क्या हो गया? x की जगह आ गया. कैसे निकालेंगे रेंज? तो गेट b इन टर्म्स ऑफ y, तो 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 1. हमें चाहिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय y. सिंस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको क्या करना है बच्चों? रेंज कैसे निकालते हैं? अगर यहां x होता तो इसकी रेंज कैसे निकालते? गेट x इन टर्म्स ऑफ y, वही तो मैंने किया. अब आपको b, आपको कुल मिला करके y के किसी एक्सप्रेशन पर इन इक्वेशन लानी होती है जो कि आ गई. जैसे ये लगाया तो 1 माइनस y अपॉन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आप ऐसे भी कर सकते थे, पूरा पूरा b भी ला सकते थे. फिर भी क्या बोलते हैं, b रियल कब होगा? जब 1 माइनस y अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हमें ऐसे फैक्टर कभी अच्छे नहीं लगते हैं. y माइनस 1 बाय y लेसर देन इक्वल टू 0, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, y माइनस 1 कब 0 होगा? 1 पर 0, छोटा मतलब छोटा, y को जीरो नहीं ले सकते हैं, वन चलेगा. तो क्या हो गया, y belongs to 0 to 1. ये रेंज आ गई किसकी? इसकी. ये क्या है? mb. तो mb की रेंज क्या हो गई? 0 से 1. ठीक है, ओके. अगला क्वेश्चन है चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3. चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 है. The domain of the definition of the function fx is equal to log x plus 3 upon x square plus 3x plus 2. इसका डोमेन हमें निकालना है. डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन की शक्ल देख करके कंडीशंस लिखते हैं. फर्स्ट कंडीशन, ये कब डिफाइन होगा? जब x plus 3 greater than 0. बेस ओके ही होगा, सिंस बेस इज नॉट गिवन, मतलब ओके ही होगा. ओके मतलब वन नहीं होगा और जीरो से बड़ा होगा. तो एक कंडीशन है कि जो भी इनपुट हो वो तीन से बड़ा हो, पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए. ये क्या है? एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन. ये मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कैसे करता हूं, किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोज डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट है मैथ्स ट्रिक्स, उसमें आप जाना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी. अगर आप वो चारों ट्रिक्स देखते हो तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स में फायदा ही होना है. ये हो गया, तो यानी x क्या क्या नहीं होना चाहिए, माइनस टू और माइनस वन नहीं होना चाहिए. तो एक तो x माइनस तीन से बड़ा होना चाहिए, साथ में माइनस टू माइनस वन भी नहीं होना चाहिए. तो डोमेन आया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सॉरी माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, माइनस तीन से बड़ा होना चाहिए लेकिन
माइनस टू और माइनस वन नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स तीन ही थी। अब जो मैंने आपको एक होमवर्क की शीट दी थी उसमें कुछ मिलाकर के, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस थे, तो लेट्स डिस्कस देम। होमवर्क शीट का क्वेश्चन नंबर वन, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, डोमेन बताना है, तो डोमेन बता दो। सर ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे x माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू थ्री। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया r माइनस थ्री, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री। रेंज की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ x है बच्चों मॉड ऑफ x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री। प्रॉब्लम ये है कि जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक हम लोग रेंज नहीं निकाल सकते, तो मोड कब हटता है, इफ x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अगर मोड के अंदर का आइटम पॉजिटिव है तो वो एज इट इज डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि मोड ऑफ टू टू, इसका मतलब है कि मोड ऑफ x माइनस थ्री विल बी इक्वल टू x माइनस थ्री कब, जब x ग्रेटर देन थ्री हो। तो जब x लेसर देन थ्री हो तब क्या होगा, x अगर लेसर देन थ्री है तो ये नेगेटिव होगा, तो कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस थ्री। और वैसे भी बच्चों मॉड ऑफ p का आउटपुट या तो प्लस p होगा या माइनस p होगा, क्योंकि मॉड ऑफ 2, जैसे मान लो अगर मॉड ऑफ x 2 है तो इसका मतलब x माइनस 2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के x 3 से बड़ा हो या 3 से छोटा हो लेकिन x 3 नहीं होगा। तो अगर इनपुट 3 से बड़े हैं इस मशीन में, ये पता लगा लिया हमने कि इनपुट क्या है, अब इनपुट अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x, यानी कि अगर इनपुट 3 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x, तो मशीन हमेशा बंद देगी। अगर इनपुट 3 से छोटे हैं तो फंक्शन ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1, यानी मशीन दो ही टाइप का आउटपुट देगी, या तो 1 या माइनस 1, लेकिन मशीन में 3 डाल दोगे तो बीप 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 का साउंड आएगा। सो रेंज इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, सो या तो मशीन माइनस 1 देगी या 1, दिस इज द रेंज। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी, डोमेन आर माइनस थ्री एंड माइनस वन टू वन रेंज होगी ना, सॉरी माइनस वन एंड माइनस वन टू वन रेंज नहीं होगी, रेंज में ओनली टू ही एलिमेंट्स है, माइनस वन कोमा वन। क्वेश्चन नंबर टू, इफ इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी इनपुट डाला जाए देन रेंज विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर थ्री, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, इसका डोमेन है आर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो इसकी रेंज पूछिए, आसान है, कुल मिलाकर के क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट निकालना भी आता, डायरेक्ट निकाल लो पहले, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन अगर आप भूल गए तो मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, वापस से लेक्चर वीडियो देखना कि सर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पोस्टमार्टम पूरा पूरा तरीके से करना हमें आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये जो है कुछ भी एक्स रखो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग, सॉरी हाँ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो वही रेंज डिसाइड करता है। तो बच्चों फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac minus b square upon 4a, 4ac, 4a, 1c, 7, minus b square minus 36 upon 4a, 28 minus 36, minus 8 upon 4, means this y is always greater than or equal to minus 2, तो रेंज क्या आ गई, minus 2 to infinity, ये तो हुआ ट्रिक वाला मेथड। अब नॉर्मल मेथड से कर लेता हूं मैं रेंज निकालने वाला, जो ट्रेडिशनल मेथड है, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इसमें ट्रैप्ड है, इसमें फंसा हुआ है, सिंस एक्स इज रूट ऑफ इक्वेशन एंड एक्स इज रियल, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, मतलब
b square minus 4ac will be greater than or equal to 0. 36 minus 4ac, 7 minus y. हमें तो कुछ भी करके, यानी ये जुगाड़ ऐसा करना पड़ता है कि हम y के किसी एक्सप्रेशन तक पहुंचे। पता है रेंज का फंडा क्या है? अगर आपको y के वैल्यूज निकालनी है तो हम ये कहते हैं कि गेट x इन टर्म्स ऑफ y, फिर x के हिसाब से y के एक्सप्रेशन पर क्या लगाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो क्वेश्चन में, रेंज के क्वेश्चन में मेन चीज यही होती है कि किस तरीके से आप y के एक्सप्रेशन पर कोई कंडीशन डाल सकते हो, फिर उस कंडीशन को सॉल्व करो, देन यू विल गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इनटू 7 माइनस 5, सो क्योंकि ट्रांसफर इज अलाउड, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5, शिफ्ट किया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 9, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो y बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इनफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन, आई थिंक इट इज रिपीटेड क्वेश्चन, इट हैज बीन आल्सो गिवन इन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, एज आई कैन सी दैट इट इज सो। तो ये क्वेश्चन किया हुआ, इसकी रेंज क्या आती थी 1 टू 7 बाई 3, और 1 को इंक्लूड नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसकी रेंज पूछी। बच्चों कुछ याद आया इसमें? ये क्या है, माइनस कॉमन ले लू तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या बना, माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स, और ये 0 टू 1 होता है, 0 शामिल होता है, 1 शामिल नहीं होता है, तो रेंज क्या होगी, मतलब इसकी रेंज तो है 0 टू 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तो इसके माइनस की रेंज क्या होगी, माइनस में इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, तो रेंज क्या होगी, माइनस 1 टू 0। तो बच्चों रेंज के तरीकों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपका इसका आउटपुट होता है यहां से यहां, तो उसके माइनस का आउटपुट माइनस 1 से 0 होगा, क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो माइनस 1 भी शामिल नहीं होगा, जब ये 1 ही नहीं देगा तो माइनस 1 रेंज में, तो ये माइनस 1 भी नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको जब रेंज पढ़ाया था तब ये कहा था कि रेंज के हर क्वेश्चन का मेथड नहीं होता, आपको अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर उसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रेंज ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इस फंक्शन की रेंज, सॉरी मॉड नीचे है, ऐसा क्वेश्चन आप चेक कर चुके हो, मॉड जब तक खुलेगा नहीं तब तक, अब मॉड कैसे खुलेगा, एक्स प्लस 2 अपॉन, या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, और डोमेन तो क्या, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो इस पूरी मशीन में या तो इनपुट माइनस 2 तो डालेंगे, या तो इनपुट माइनस 2 से बड़ा डाला जाएगा, क्योंकि नंबर 9 पर माइनस 2 वाला इनपुट तो डाला ही नहीं है, तो या तो माइनस 2 से बड़ा वाला डाला जाएगा या माइनस 2 से छोटा वाला डाला जाएगा, कुछ भी डालो ये या तो प्लस या माइनस में खुलेगा, तो ये क्या है, प्लस और प्लस 1 और माइनस 1, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, केवल दो ही आउटपुट मशीन दे सकती है, माइनस 1 और 1। याद रखना रेंज ऑफ फंक्शन मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज माइनस 1 और 1, ये याद रखना। नेक्स्ट है, यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि रेंज ऑफ 2x प्लस 3, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, मॉड ऑफ x अपॉन x हो या x अपॉन मॉड ऑफ x, इन सबकी रेंज क्या है, माइनस 1, माइनस 1 और 1, मशीन दो ही आउटपुट देगी, या तो माइनस 1 या 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक, क्वेश्चन नंबर 7, f R2 R defined है, fx is equal to x square upon x square plus 1। बच्चों इस क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम है, इसके किसी भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं है, तो अगर आप परेशान हुए हैं तो परेशान मत होना, अभी मैं डिस्कशन ले रहा हूं, अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, how can I find range, so to find range I take y as output, input तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x कोई भी input हो सकता है, get x in terms of y,
So x square y plus y is equal to x square. I want to get x. So x square into y minus 1 is equal to minus y. So x square कुछ भी करके y के range का फंडा ये है, कुछ भी करके y के expression पर. For every real x, it is always greater than equal to 0. Since x square is always greater than equal to 0, condition will be therefore minus y upon y minus 1. Minus y अच्छा नहीं लगता. Y upon y minus 1 lesser than equal to 0. ये 0 पर 0, ये y के लिए नंबर आए ना, 1 छोटा मतलब छोटा. ये जो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना बच्चों, ये इन इक्वेशंस में पढ़ाया था, फंक्शन लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में आया होगा. लेक्चर 1 में 1 नहीं हो सकता, तो रेंज क्या है, y belongs to 0 शामिल है 0 to 1. So this is the range of the function. Since it is discussion बच्चों, तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज, तो विच ऑप्शन, अच्छा 7 में तो ऑप्शन है नहीं ना, ठीक है. तो 7 क्वेश्चन मिस टाइप्ड था, गलत टाइप हुआ था, ऑप्शंस उसमें नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 8, रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7. रेंज आपको निकाल लिया, ठीक है, ओके. ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया कर चुके हैं. क्या करते हैं, आउटपुट को y मानते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7. सो एक्स स्क्वायर y माइनस 1 x 2y माइनस 30 प्लस माइनस 7y प्लस 71 इज इक्वल टू 0. ये चीज आपको नहीं आती है, जब मैंने आपको रेंज पढ़ाई थी तब भी मैं इस चीज पे पहुंचा था. तो आप फुर्सत में मल्टीप्लाई करके ऐसी चीज लेकर के, x इसमें फंसा हुआ है, x इनपुट है, इनपुट रियल है, इनपुट रियल है मतलब इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन x है वो रियल आ रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है. तो b स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए. तो b स्क्वायर मतलब 2 into y minus 17 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 into y minus 1 into minus 7y plus 71. ऐसा होना चाहिए, because you already know that if roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c are real, then then discriminant b square minus 4ac must be greater than or equal to 0. Class 10th में पढ़े थे, ये 4 से 4 कटा, तो y square minus 34y 17 का square. अगर याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है. is greater than equal to, इसको मल्टीप्लाई किया तो y into minus 7y minus 7y square plus 71y plus 7y minus 71, यहां तक पहुंच गए. अब आपको तो y में इक्वेशन आ रहा होता है ना, आ गया. अब इसको सॉल्व करने से आपको रेंज मिल जाएगी. ये इधर गया तो 8y square, ये दोनों में 71 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 71, पहले इसको देखिए 71 और 7 कितना, 78, 78 उधर जाएगा तो माइनस 78 माइनस 34 कितना आया, 12 एक 11 माइनस 112, ये हो गया माइनस 112 y, 289 प्लस 71, तो 289 प्लस 71 10 एटेड 16 360 प्लस का 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आपको हमेशा से अच्छी लगती है. अब दिस इज डिविजिबल बाय 8, तो छोटा करते हैं, y स्क्वायर माइनस 8 से डिवाइड किया, 1 जा 4 जा सॉरी 1 जा फिर 3 32 8 4 जा 32, ठीक है, 8 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32 5 जा ये आया. इसके बाद में इसके ऐसे दो फैक्टर 45 1 जा 45 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 14 हो, 9 एंड 5. तो बड़े फैक्टर पर माइनस वाला साइन, छोटे फैक्टर पर पूछ करके ये आया. अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है. इक्वेशन क्या है, y माइनस 9 इंटू y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 5 9 बड़ा मतलब बड़ा, इधर होगा और इधर होगा, 5 भी शामिल होगा 9 भी शामिल होगा. बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आज ही डिस्कशन में ले चुका हूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में. तो यानी यहां से डाउट आया कि y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो y इक्वल टू 1 रख करके देखो.
तो मतलब हमें डाउट है कि y को डू वन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेंज में तो है, तो y को डू वन होगा कि नहीं होगा तो वन रख करके देख लो, प्रॉपर इनपुट मिला तो y को डू वन पॉसिबल है, नहीं मिला तो y को डू वन नहीं होगा, ये वन रखा तो क्या आया x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये इधर गया 32x 71 माइनस 7 64, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 1 को नेगलेक्ट नहीं करना है, सो फाइनली रेंज इज व्हाट, एनी बच्चों कभी कभी परेशान करता है, तो एनी रेंज क्या आया, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, यानी बच्चों जो फंक्शन है उसकी रेंज ये आ जाएगी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज इवन फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, तो ऑप्शन ए है, इवन मतलब आप समझते हो ना, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन ए है कि क्या ये फंक्शन इवन है क्या, फॉर इवन फंक्शन आपको पता है ना, इवन फंक्शन की क्या खास बात है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा हुआ तो फंक्शन इवन है, नहीं हुआ तो नहीं है, सो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, इट मे बी रिटन एज 1 प्लस ए टू द पावर एक्स 1 माइनस ए टू द पावर एक्स व्हिच इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि देखो अंतर है ना, सो ऑप्शन ए नॉट इक्वल, लेट्स ट्राई विद ऑप्शन बी, बी है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा एक डाउट तो नहीं है ना आपके मन में कि सर आपने जब ऑड इवन पढ़ाया था तब ये कहा था कि ऑलवेज टेक फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, यहां चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, देखो माइनस कॉमन लेते ही ये बन जाएगा ना, फंक्शन ऑड है और जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकता, विच इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट इवन। इसको देखो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, a to the power minus x minus 1, a to the power minus x plus 1, so it becomes minus x into 8, 1 minus a to the power x, इसको क्या लिखूंगा, 1 upon a to the power x, 1 plus a to the power x, इसकी शक्ल इसके जैसे बनानी है, तो ये minus 1 से इसको multiply कर दिया, x into a to the power x minus 1 upon a to the power x plus 1, what is it, it is function of x, so b is correct, function b में जो दिया हुआ है वो even है। अब आपका काम है ये कि C और D क्यों इवन नहीं है, ये आप चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो मैंने क्लास इलस्ट्रेशन में भी लिया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ x इवन है कि ऑड है या B और C, तो पहले इवन ऑड को चेक कर लेते हैं। आपको याद आना चाहिए कि ये फंक्शन जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बोला था कि ये फंक्शन ऑड है, कैसे, लेट्स चेक फॉर इवन और ऑड, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, ठीक है, अब ऐसे देखने से तो पता लग नहीं रहा, लेकिन देखो ये क्या है, लॉग पी बाई क्यू, ये क्या है, लॉग क्यू बाई पी, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं अगर इसको बदल दूं, अगर कभी आपको log a by b को log b by a लिखना है तो आपको यह माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर a by b को b by a के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a by b is equal to b by a to the power minus 1, यानी ऐसा, यानी मैं यहां क्या करूंगा, log 1 plus x upon 1 minus x, क्या है, माइनस फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन इज ऑड, ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर लो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालो, वो जीरो आएगा, कैसे, एफ एक्स क्या है, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लॉग वन विच इज जीरो,
If it is 0, that means function of minus x is equal to minus function of x. That's why the function is odd. तो बच्चों बाकी ऑप्शंस भी आप चेक करना, बाकी ऑप्शंस सही नहीं निकलेंगे. जैसे एक ऑप्शन मैं आपको चेक करके बता देता हूँ. 10th का आंसर तो आ गया कि फंक्शन ऑड होगा, d is the answer. But why options b and c are not considered? यानी उनको भी consider करते हैं. A considered हो चुका है, जो odd है वो even नहीं हो सकता. B वाला चेक करते हैं. B में लिखा हुआ है function of x1 into function of x2 is equal to function of x1 plus function of x क्या है? log 1 plus x upon 1 minus x. वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा होता है क्या? कर लेते हैं चेक. function of x1 into function of x2 means log 1 plus x1 1 minus upon 1 minus x1 into log 1 plus x2 upon 1 minus x2. और function of x1 plus x2 क्या है? वो है log 1 plus x. x क्या है? 1 minus x. अब बच्चों ये और ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, that's why option B is not correct. ऐसे ही आप प्रोसेस करना, सी भी आपका राइट नहीं निकलेगा. तो क्या राइट निकलेगा? फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स जो भी है दैट इज ऑड. तो ये हो गया 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन. चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में मैं डिस्कस कर ली. अब आपका बच्चों रेंज ऑफ फंक्शन तक क्लास 11th में भी आप पढ़ लिए थे, और जो 11th वाले बच्चे हैं उनको इतना ही पढ़ना है. फंक्शन का बस एक लेक्चर में और डालूंगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वो भी पढ़ लेना, फिर तुम्हारा फंक्शन पूरा हो जाएगा. और 12th वालों को अब 12th में जो कंटेंट है वो पढ़ाऊंगा. तो कहने का मतलब एक टेस्ट रख लिया जाए जो कि 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन होगा. अब आपको क्या करना है? कॉमन है मतलब 12th में कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस मैं ट्रिग्नोमेट्री के डालूंगा, 11th में नहीं डालूंगा. मतलब 4-5 क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे, तो दोनों में ही रैंक लिस्ट बनेगी. तो मुझे देखना है कि 11th का कौन सा बच्चा 12th वाले बच्चों से आगे आता है. अब इसमें होगा क्या कि जो अपने आप को ये समझते हैं कि अरे कोई 11th वाला बच्चा मेरे ऊपर आ गया, तो ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको. थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की भावना अंदर होना चाहिए. विदाउट कॉम्पिटिशन आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ में. अगर कोर अकेडमी अच्छे इंस्टीट्यूट है तो सारे बच्चे कोर अकेडमी में क्यों नहीं आते? समथिंग एल्स में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग कोचिंग की अलग अलग है. हो सकता है कि किसी कोचिंग में कुछ ऐसा हो कि हो सकता है किसी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स को जानो. तो दैट्स व्हाई आई लव टू रन इंस्टीट्यूट. व्हाई? बिकॉज आई फील चैलेंजेस एवरी ईयर. मार्केटिंग का हो या आपका टीचिंग का हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. ऑल्दो रिजल्ट्स आर ऑलवेज नंबर वन इन प्री इंजीनियरिंग फील्ड. मेडिकल में हम लोग थोड़ा अभी पिछड़े हैं क्योंकि हमें अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं. तो इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पर प्राउड वाली बात कर रहा हूँ. कुल मिलाकर के बच्चों कॉम्पिटिशन की बात हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए. तो टेस्ट में मैक्सिमम बच्चे बैठे, और टेस्ट में कैसे बैठना है अब तो आपको आइडिया होगा. टेस्ट वन भी आपने दिया है, फिर भी दिक्कत है तो कोचिंग के नंबर पर फोन कर लेना. आपका टेस्ट कब होगा? यू विल बी डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड शॉर्टली. आई थिंक आपको कल ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल या परसों ही मिल जाएगा. और टेस्ट में आपको 4-5 मतलब नोटिफिकेशन के बाद में 4-5 दिन आपको दिए जाएंगे. आप टेस्ट की तैयारी करें, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछते रहें. ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट. और फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी फंक्शन के और भी पार्ट्स आएंगे. 11th वालों को मैं बता चुका हूँ. सो बाय एवरीवन.